हेलो फ्रेंड्स, मैं कमल। आज आपके साथ मैं शेयर करूंगी एक इंडियन कुकीज़ की रेसिपी, नान खटाई। तो वीडियो को एंड तक देखें पूरे टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ कि मैंने इन्हें कैसे बनाया है। तो जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। रेसिपी पसंद आने पर इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नान खटाई को हम बिना ओवन के बनाने वाले हैं, तो उसके लिए फ्राई पैन को हीट पे रखें। उसमें डालें 8 बड़े चम्मच नमक और इस तरह ढक के धीमी आंच पे इसे 15 मिनट के लिए हम गरम कर लेंगे। जब तक गरम हो रहा है, हम नान खटाई का डो तैयार करते हैं। इसके लिए एक छोटा मिक्सर जार लें, उसमें डालें 1/4 कप चीनी, साथ में डालें 2 या 3 छोटी इलायची। उसके बाद इसे बारीक पीस लें। आप पिसी हुई चीनी या पिसा हुआ इलायची का पाउडर वो भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इसमें डालें 1/2 कप देसी घी। अब इसे हमें अच्छी तरह से फेंट लेना है जब तक ये लाइट और फ्लफ़ी नहीं हो जाता। तो आप यहाँ पर इलेक्ट्रिक बीटर का भी यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा सा प्रोसेस फास्ट हो जाएगा। हमारा ये मिक्सचर रेडी हुआ है कि नहीं हुआ, इसके लिए हम एक टेस्ट करेंगे। एक कटोरी में पानी लें, उसमें थोड़ा सा मिक्सचर डालें। अगर मिक्सचर ऊपर फ्लोट हो रहा है तो इसका मतलब ये रेडी है। अगर ये नीचे बैठ जा रहा है तो इसे और फेंटने की ज़रूरत है। तो मिक्सचर फ्लोट हो रहा था तो नेक्स्ट प्रोसेस पे जाएंगे। अब डालें इसमें 1/2 कप मैदा, 1/4 कप बेसन और 1 बड़ा चम्मच सूजी का। साथ में डालें 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा और 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर। इसके बाद एक स्पैचुला की सहायता से हमें सारे मिक्सचर को मिक्स कर लेना है। तो इस तरह हल्के हाथों से ही करें, बहुत ज़्यादा ज़ोर से नहीं करना है। इस तरह हल्के हाथों से करने से हमारी नान खटाई बहुत ही बढ़िया बनेगी। तो इसके बाद मैं और डालूँगी इसमें। मैंने पूरा मैदा पहले नहीं डाला था, अब मैं फिर से 2-2 चम्मच करके मैदा और डालूंगी और मिक्स करती रहूंगी। इस बार आप अपनी उंगलियों का यूज़ करें। तो फिर से मैंने 2 चम्मच डाला है, फिर से एक बार मिक्स कर लेंगे। तो इस तरह 6 टेबलस्पून मैदा मैंने और डाला है। पहले 1/2 कप डाला था और अभी 6 टेबलस्पून और। तो इसे अब हम अच्छी तरह से मिला के कुकी डो तैयार कर लेंगे। तो नान खटाई का डो हमारा अब बन चुका है। इसे फ्रीज में रख के ठंडा करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसकी हम तुरंत कुकीज़ बनानी शुरू कर देंगे। अब डो में से थोड़ा सा पोर्शन निकालें, इस तरह हथेलियों के बीच में रख के उसे रोल करें, जैसे हम रोटी का पेड़ा बनाते हैं। इसे फ्लैट नहीं करना है, इसे इस तरह बॉल ही रहने दें। तो इस प्रोसेस से हम अपनी सारी नान खटाई को बना लेंगे। तो मैंने सारी कुकीज़ बना ली हैं। इसके ऊपर आप अपनी पसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट इस तरह छोटे टुकड़ों में काट के ऊपर से सजा दें। अब आती है इसे बेक करने की बारी। तो इसके लिए एक इडली का इस तरह से स्टैंड लें, उसमें आप घी या तेल लगाएं, उसे ग्रीस कर लें अच्छी तरह से। उसमें अब हम कुकीज़ को रख देंगे। उसके बाद इधर हमारा नमक गरम हो चुका है। तो इसके बाद इस तरह हम अपनी इडली स्टैंड को इस तरह प्लेस कर देंगे अच्छी तरह से, और बहुत ही धीमी आंच पे हम ढक के इसे करीब 20 से 25 मिनट तक पका लेंगे। तो देखिए 20 से 25 मिनट हो चुके थे, कुकीज़ हमारी बनके तैयार है और ठंडी भी हो गई हैं, रूम टेम्परेचर पर आ चुकी हैं ये। तो देखिए बहुत ही बढ़िया बनी है, पीछे से भी मैंने आपको दिखाया है, बहुत ही बढ़िया बनी है। अब मैं आपको इसे एक कुकी को तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए बहुत ही बढ़िया टेक्सचर आया है। तो इस तरह ये रेसिपी बहुत ही अच्छी बनती है। जैसे कि अब दिवाली आ रही है तो आप इसे स्नैक के रूप में बना सकते हैं। रेसिपी एक बार ट्राई ज़रूर करें, आपको बहुत पसंद आएगी। और अगर आपको रेसिपी मेरी पसंद आई हो तो इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर से करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरा वीडियो देखने के लिए। मुझे इसी तरह सपोर्ट करते रहें, मेरे चैनल को ग्रो करने में मुझे आप हेल्प करते रहें। धन्यवाद।